नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी स्वागत है। आज देखिएगा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी जो यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुके हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है यहां पर लेवल वन और लेवल टू वाले अभ्यर्थियों के लिए, यहां पर राजस्थान के लोक नाट्य एवं राजस्थान के लोक नृत्य आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली बार तो देखिएगा दोनों क्वेश्चन यहां पर, एक क्वेश्चन आएगा राजस्थान के लोक नाट्यों से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान के लोक नृत्यों से पूछा जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर कि पिछले 2023 में जो एग्जाम हुई थी, कर्मचारी चयन आयोग ने जो एग्जाम ली थी उसमें से राजस्थान के लोक नाट्य और राजस्थान के लोक नृत्यों से अब तक 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये 10 क्वेश्चन हमने पिछली बार भी आपको बता दिए यहां पर। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होती तो यहां पर आप, अगर आपकी एग्जाम हुई हो तो उसमें ये 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा हमने ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों के लिए लेवल वन और लेवल टू के लिए। इसमें राजस्थान का यहां पर कल्चर चल रहा है यहां पर, जिसमें आज आपका राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के यहां पर लोक नाट्य आज आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। इसी तरह से हम राजस्थान के इतिहास को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, राजव्यवस्था को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, वो यहां पर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आपको वो 3000 प्रश्नों की पीडीएफ मिलने वाली है, वो सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाली है ऐप के ऊपर। यहां पर आप ऐप को डाउनलोड कर लो, स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पर 3000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी परीक्षाएं हुई है कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रेस मैक बना हुआ है वो सारा इसी प्रश्नों से बना हुआ है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि कर्मचारी चयन आयोग जो वर्तमान में एग्जाम ले रहा है वो सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। 100% क्वेश्चन इसी एग्जाम पेपरों में से पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां तक जुड़ा है एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो 2023 की जो जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम ली है बोर्ड ने, उसमें से जो नृत्य और लोक नाट्यों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की बात करेंगे यहां पर, यानी कि लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिकों के और उन्हीं में से आपके प्रश्न पत्र बनेंगे यहां पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है बताएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम 2023 में, यानी कि जो सीईटी की कल ही एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया है यहां पर। और पहले भी मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट करवा चुका हूं यहां पर, क्योंकि देखिएगा और अगले आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गबरी लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भाट का संबंध किस लोक नाट्य से है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, यह भी क्वेश्चन यहां पर वर्तमान में सीटी की जो एग्जाम लग रही है उसमें यह क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है यहां पर और पहले भी पूछ लिया गया था यहां पर। तो देखिएगा स्वांग, ख्याल, नौटंकी या फिर रंबत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछा गया है यहां पर अभी 2023 की एग्जाम में, उसको भी आपको याद रखना है, वो देखिएगा कौन सा है वो भी नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक लोक नृत्य हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी 2023 के एग्जाम में पूछ लिया है और पहले भी यहां पर 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानकी, जो जानकी लाल भाट है वो किस लोक कला से संबंधित है बताएगा। इसका सही आंसर 2023 के एग्जाम में पूछ लिया है और पहले भी यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने पहले भी पेपरों में 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। नौटंकी, फड़, तमाशा, बहरूपिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा बहरूपिया ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जानकी लाल भाट से संबंधित अभी अभी 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको यहां पर बताया था, ये क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जानकी लाल भाट का संबंध किस लोकनाट से, यहां पर स्वांग दे रखा है और स्वांग का ही दूसरा रूप हो जाएगा बहरूपिया हो जाएगा। यहां पर देखिएगा केवल यहां पर क्वेश्चन को बदला गया है, क्वेश्चन वही है यहां पर, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन आयोग यहां पर, क्योंकि पिछली बार जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनमें थोड़ा सा चेंज कर सकता है या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन डाल सकता है यहां पर, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं डालता है, क्वेश्चन वहीं से डालता है जो कर्मचारी चयन आयोग ने जितने 3 से 4 हजार प्रश्नों का जो अपना प्रश्न बैंक बना रखा है उससे ही पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ की फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है। यह भी 2023 के एग्जाम में वर्तमान में यह पूछ लिया गया है यहां पर, और पहले भी यहां पर चार बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, यहां पर बोर्ड के द्वारा पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर बताएगा चक्री, तेरह ताली काल में लिया या फिर चरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है बताएगा। यह भी स्टार वाला क्वेश्चन है, तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर, और 2023 के एग्जाम में पूछ लिया गया है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसनाती सिद्ध संप्रदाय, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक नृत्य यानी कि जो लोक नृत्य बालर किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है बताएगा। भील, मीणा, गरासिया या फिर डागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है यहां पर, वो भी क्वेश्चन नीचे आ रहा है यहां पर, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक नृत्य अग्नि नृत्य का संबंध है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 2023 में पूछ लिया है, और पहले भी चार बार रिपीट हो चुका है यहां पर, और अभी अभी 2023 में जो एग्जाम लगी है, पिछले डेढ़ महीने में जो एग्जाम लगी है उनमें दो बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। अगर लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन, एक गबरी लोक नृत्य बनता है, एक अग्नि नृत्य बनता है, एक गरासिया का बालन नृत्य बनता है, ये तीनों क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन तीन से चार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र से हो रही है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, सिकावाटी, कुचामनी, हेला ख्याल या फिर तुर्रा कल की ख्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुचामनी ख्याल, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है बताएगा। ये यहां पर लैब असिस्टेंट के एग्जाम कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है, तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालर नृत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। और देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और एक बार देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहां पर। और देखिएगा ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पर सारी मॉडल टेस्ट पेपर 3000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलने वाली है यहां पर, और यहीं से ही आपके प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि मुझे पता है आप भी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पर, और मैंने जितने भी वीडियो पहले करवा दिए हैं उन्हीं में से आपका पेपर बन के तैयार हो रहा है यहां पर। सीटी एग्जाम में देखिएगा, जो स्नातक स्तर पर जो सीटी की एग्जाम लगी थी उसमें से 100% क्वेश्चन हमारे वीडियो जारी किए गए थे हमारे द्वारा, उसमें से पूछ लिए गए यहां पर, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा है, सारे क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं यहां पर उन्हीं से पूछे गए थे। और आपकी जो 12वीं और 10वीं क्लास से हुई थी, जो सीईटी की एग्जाम लगी थी यहां पर सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसमें भी 100% राजस्थान जीके से संबंधित वही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों पूछे गए थे, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए वो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्नों के करवाए हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की किताबों से करवाए यहां पर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर करने के लिए, ये देखिएगा ये आपकी बुक है यानी कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 RVSE। तो इसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा आज का वो ये देखिएगा, 8वें नंबर का अध्याय है राजस्थान के लोक नृत्य एवं राजस्थान के लोक नाट, ये कंप्लीट होगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद राजस्थान के लोक संगीत यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है यहां पर, तो देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, 100% उस बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पर आने की संभावना है इस प्रश्न की। तो देखिएगा, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष विश्व यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था बताना होगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, 2010 में, यानी कि राजस्थान का कालबेलिया जो नृत्य है उसको विश्व यूनेस्को की धर्म सूची में सम्मिलित कर दिया है, विरासत सूची में सम्मिलित कर दिया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2010 में। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं आता है दोस्तों यहां पर, तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपका, यानी कि जो अध्याय 8वां है 10वीं
आरबीएससी की जो बुक है उसमें राजस्थान अध्ययन में ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, कालवेलियन रथ को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है दोस्तों। यहाँ पर नोट के माध्यम से इस प्रश्न को चिन्हित किया गया है बुक में, तो हमने वो क्वेश्चन देखिएगा इसमें डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जो उस बुक में जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए दोस्तों यहाँ पर वो आपके सामने है। अब एक एक का आंसर दीजिएगा, पहले तो देखिएगा, देखते हैं आप कितने आंसर दे सकते हो। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है बताना होगा करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य है दोस्तों, यहां पर प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, इसी बुक का कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है बताइएगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है। तो ढोल नृत्य का संबंध है जालौर जिले से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकनाट्य से संबंधित क्वेश्चन है यहां पर, लच्छी राम का संबंध किस लोकनाट्य से है बताना होगा करेक्ट आंसर। सेकावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, या फिर कुचामनी ख्याल, या फिर हिला ख्याल। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुचामनी ख्याल से संबंधित है लच्छी राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार वेद कहां का प्रसिद्ध लोकनाट है बताना होगा। दो लोकनाट आपके सामने यहां पर दिए है, तीन यहां पर ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन में, ये तो बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। यहां पर चार वेद का जो संबंध है वो यहां पर टोंक जिले से हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अब देखिएगा, ये तो किताब से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस पुस्तक में से दोस्तों, यहां पर इस अध्याय में से वो आपके सामने है। पता कीजिएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, अभी आपके पास टाइम है, एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर मौका है आपके सामने, तो हो जाइएगा तैयार। यहां पर देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रिट 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये कब किया जाता है ये भी ध्यान रख लेना, नवरात्राओं में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सही है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से एक गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। इसमें एक गलत जोड़ा है, उसको पहचानना है आपको। देखिए, गुडेला जोधपुर में, बम में भरतपुर में, अग्नि नृत्य बीकानेर में, चंग नृत्य मेवाड़ में। तो इसमें से गलत आपको जोड़ा पहचानी है, तो देखिएगा गलत जोड़ा आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चंग नृत्य है वो सेकावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। यहां पर ये मेवाड़ का लोक नृत्य नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है बताइएगा। ढोल नृत्य, गरवा नृत्य, या फिर तेरा ताली नृत्य, या फिर गीदड़ नृत्य। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, गीदड़ जो नृत्य है वो यहां पर होली के अवसर पर किया जाता है, 7 दिनों तक चलता है ये नृत्य, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुज्जर जाति का लोक नृत्य है, चरी नृत्य हो जाएगा। चरी नृत्य के बारे में तो आप जानते हैं, किशनगढ़ की फलकोबाई इस लोक की प्रतीक नृत्यांगना रही है, ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है कौन सा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंध राजस्थान से है। ये देखिएगा जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बताना होगा राइट आंसर कौन सा है शास्त्रीय नृत्य।
राजस्थान का प्रसिद्ध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, बताइएगा, गैर घूमर नेजा या फिर डांडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैर नृत्य, यानी कि जो घेरा बनाकर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को गैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये कहां किया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। अगर माने तो उदयपुर संभाग में गैर नृत्य किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले का नृत्य है, बताना होगा सही आंसर, तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जालौर, जालौर जिले का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छिद्रित मटके में दीपक जलाते रहते हैं, किस नृत्य की विशेषता है, बताना होगा सही आंसर, एक मटका होता है जिसमें यहां पर छेद होते हैं और उसके अंदर एक दीपक जला हुआ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से नृत्य की ये विशेष पहचान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुडला, गुडला ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुडला नृत्य से ये संबंधित रखता है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगल नृत्य है, अब देखिएगा युगल नृत्य का संबंध है जो स्त्री और पुरुष मिलकर उस नृत्य को करते हैं उसको युगल नृत्य के नाम से जाना जाता है, उसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो देखिएगा पणिहारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साकर या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों नृत्य युगल नृत्य की श्रेणी में आते हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिम घराना पूछे आपसे, दोनों ही आप यहां पर कंप्लीट कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, तो देखिएगा आदिम घराना हो जाएगा जयपुर और नवीनतम घराना हो जाएगा लखनऊ, दोनों याद करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है, बताइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कालवेलिया नृत्य से संबंधित हो जाएगा इंडोनी, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, इस प्रश्न तक पहुंचा है, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर, और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहां पर, शेयर जरूर कीजिएगा, जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहां पर, उनके लिए इस वीडियो को, इस सेशन कोर्स को आपके लिए जरूर पहुंचाना दोस्तों यहां पर, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कोर्स आपका क्रैक किया जा रहा है, अभी भी यहां पर 80 वीडियो आना बाकी है आपके SST सामाजिक अध्ययन के दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पहला आपका यानी कि रिट पात्रता प्रमाण पत्र के लिए तैयारी हो रही है, पहली ये एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी, उसी के साथ आपकी सेकंड पेपर की भी तैयारी हो रही है यहां से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाटक है कौन सा है, बताना होगा सही आंसर, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गबरी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदर नृत्य किया जाता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सेकावाटी क्षेत्र में गीदर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताना होगा, घूमर, गीदर, गैर या फिर तेरेताली, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गीदर जो नृत्य है वो सिकावाटी क्षेत्र में किया जाता है, घूमर नृत्य पूरे राजस्थान में किया जाता है, गैर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है, और तेरेताली रामदेव जी के मेले पर किया जाता है, चारों कंप्लीट कर लो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बताना होगा किस जाति के द्वारा किया जाता है, बालर, बालरा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झमटिया और खड़किया किस लोक नृत्य के पात्र है, बताना होगा सही आंसर, तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये गबरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र है, एक कहानी एक कहानी पर डायलॉग देता है, एक हंसाने का काम करता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि
नृत का संबंध किस संप्रदाय से है, बताइएगा। मैंने जब संप्रदाय आपको कंप्लीट कराए थे लोक संत, मैंने आपको यहाँ पर 16वें नंबर के वीडियो में कंप्लीट कराए थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया था, तो आप बताना होगा आप करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जसनाथ जी से संबंधित है अग्नि नृत्य का। और अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है, धधकते हुए अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, बताइएगा। देखिएगा, घूमर, नेजा, पणिहारी या फिर गैर। तो जो पणिहारी नृत्य है ये यहां पर भीलों के द्वारा नहीं किया जाता है। अब भीलों के नृत्य भी आप याद कर लेना, घूमर है, नेजा है, गैर है, द्विचक्रीय, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो गैर नृत्य का जो संबंध है वो भील जाति से संबंधित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालौर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है ढोल नृत्य। ये क्वेश्चन, एक तो ढोल नृत्य, एक बम्ब नृत्य, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। बम्ब नृत्य किया जाता है भरतपुर में और ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी संप्रदाय के जो लोग हैं वो धधकते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवाई नृत्य के संभाग का नृत्य है, बताएगा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर संभाग का ये लोक नृत्य हो जाएगा भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर, घूमर, नेजा, बेगौरी राजस्थान की किस जनजाति का लोक नृत्य है, बताएगा, भील, सहरिया, गरासिया या फिर साची। आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलों के हो जाएंगे, कौन से, गैर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, नेजा हो जाएगा, गौरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, बताएगा, होली, दिवाली, तीज या फिर छठ। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तीज के अवसर पर, यहां पर राजस्थान में, यानी कि घूमर नृत्य किया जाता है, राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध, राजस्थान की आन मान और शान घूमर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है, बताएगा, कौन सा नृत्य, तो ये हो जाएगा गैर नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर गैर नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर किया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फलकुबाई का संबंध है किस लोक नृत्य से संबंधित है, फलकुबाई का, तो इसका संबंध है चरी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के नृत्य गबरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है सावन, भाद्रपद, अश्विन, फाल्गुन या फिर ज्येष्ठ या फिर बैसाख में। तो ये होता है भादो के महीने और अश्विन के महीने में ये नृत्य किए जाते हैं। कौन सा, गबरी नृत्य किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, पणिहारी नृत्य किस राज्य का प्रमुख आकर्षक है, बताइएगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर मैंने पूरा गहन अध्ययन किया है आपकी कक्षा, यहां पर जो अध्याय है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो बुक है उसका अध्याय नंबर 8 है, उसमें पेज नंबर 86 से 87 पेज पर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर एक एक प्रश्न वही प्रश्न जो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुकों पर है दोस्तों, यहां पर जो कि अजमेर के द्वारा बिल्कुल मान्यता प्राप्त है और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फालतू प्रतियोगी परीक्षाओं पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, यहां पर केवल जो
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपकी एग्जाम लेता है उसके द्वारा जो गाइड जारी की गई है, चाहे एनसीईआरटी की पढ़ लो चाहे आरबीएसई की पढ़ लो, उन्हीं में से आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। फिर मत कहना कि हमने जो प्रतियोगी एग्जाम की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा की जो बुक है वो पढ़िए और वहां से प्रश्न नहीं आते। नहीं आने का कारण यही है कि आप वो बुक पढ़ते हो जो यहाँ पर यानी कि जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने आप लोगों के लिए जारी नहीं की है। केवल केवल शिक्षा विभाग की बुक पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं मिलेगा, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और जो बुक है वो भी मैंने ऐप पर डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 6 से लेके और 7, 8, 9 और 10 की बुक हमने डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर एक एक मैटर यानी कि पूरे अध्याय हमने डाल दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी बुकों को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। और आपके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस 2022 रेट का है उसकी प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। आपको सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है और आपको प्रश्न क्यूज आपको मिलने वाले है। देखिएगा मात्र इतने से प्राइज में आपको सब कुछ मैं दे रहा हूं दोस्तों। यहां पर हो सकता है मैं जैसे जैसे यहां पर और इसमें और ऐड करूंगा उसका प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है दोस्तों। यहां पर अभी आप लोगों के लिए अगर अभी आप लेते हैं तो यहां पर 199 में ले सकते हो दोस्तों। यहां पर ये मौका है, फिर हो सकता है इसका प्राइस बढ़े क्योंकि सर्वर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। यहां पर रोज हम डाल रहे हैं उसका जैसे जैसे थोड़ा कॉस्ट अगर बढ़ता है तो हम थोड़ा सा प्राइस प्लस में कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूं कि ये प्लस में हो, लेकिन अब जब तक डाल रहे हैं हम जब तक आपको इतने में मिलेगा, अब जब तक यहाँ पर डालने का जो कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा वो थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है दोस्तों। यहाँ पर तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे वीडियो के नीचे नेक्स्ट नीचे जाओगे तो वहां पर ओके करोगे तो नीचे आपको यहां पर ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है, मैंने आपको बता दिया। और आप कॉल करके यहां पर हमसे पूछ सकते हो इसके बारे में, जो ये नंबर है यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप कॉल कर सकते हो इन नंबरों पर। ऐप के बारे में पूरी जानकारी, कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर ये आपके यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 और 24 जुलाई की जो एग्जाम लगने वाली है उनकी। अभी 33 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर डटे रहिएगा, भागना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं जाना है। क्या पता है आपके एक कदम के आगे आपकी मंजिल इंतजार कर रही है और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य में स्त्री पुरुषों के कोड़े से पीटती है, बताना होगा, चंग, करवा, घूमर या फिर नेजा। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नेजा नृत्य में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, बताएगा। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य, जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालवेलिया लोगों का नृत्य है कौन सा है, कालवेलिया लोगों का नृत्य बताइएगा। देखिएगा पणिहारी बिल्कुल राइट, साकरिया बिल्कुल राइट, बागड़िया बिल्कुल राइट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है, बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गबरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर भरतपुर जिले में फागुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, देखिएगा फागुन महीने में किया जाता है, नई फसल जब आती है जब ये नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है नगाड़ों की साथ किया जाता है, बम, ढोल, गीदड़ या फिर तेरह ताली। तो आप देखिएगा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हो भाई, ढोल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो जालौर जिले में किया जाता है ढोल नृत्य, और बम नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछता है तो बम भरतपुर में किया जाता है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालर नृत्य का संबंध है, बताना होगा किस जाति से संबंधित है बालर नृत्य का, तो बालर नृत्य का जो संबंध है वो यहां पर गरासिया जनजाति से संबंधित है। अब देखिएगा जो बालर नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गरासिया जनजाति का। घूमर नृत्य के बारे में तो आप जानते हैं कि सभी जातियों के लोग इसको करते हैं, और भीलों का जो प्रमुख नृत्य है वो गवरी हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। और जो देखिएगा कालवेलिया जाति के तीन नृत्य है पणिहारी, साकरिया, ये सारे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, बताइएगा।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। अब तमाशा की शुरुआत कब हुई थी? तो तमाशा की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ये शुरुआत हुई थी, 17वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। और इनके कलाकारों को कहां से लेकर आए थे ये राजा? तो महाराष्ट्र से इन कलाकारों को लेकर आए थे। और यहां पर रंगशाला की स्थापना की थी, रंग मंच की स्थापना की थी। यहां पर यह भी पूछा गया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है कौन सी है? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चरी नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कच्ची घोड़ी पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा, गैर पुरुष के द्वारा कराया जाता है, चंग पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन चरी नृत्य आपको पता है यहां पर। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैला देवी के मेले में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है, बताएगा? जोगनिया, लांगुरिया, तेरह ताली या फिर अग्नि नृत्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, लांगुरिया नृत्य किया जाता है या जोगनिया, ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि कैला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, क्योंकि आप लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में कि ये नृत्य है या फिर संगीत है, जोगणिया या फिर लांगुरिया, जरूर बताना दोस्तों यहां पर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाबों किस क्षेत्र में विख्यात है, बताना होगा सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक नृत्यांगना है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक थे, कौन थे जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भानुजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है, बताएगा? बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जोधपुर या फिर जालौर? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का कौन सा भाट बहुरूपिया कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि भारत और राजस्थान का जो पहचान है वो अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर पर इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान दिलाई है राजस्थान को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकी लाल भाट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुरूपिया का काम करते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तमाशा लोकनाट सर्वप्रथम जयपुर राज के किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपको ध्यान हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैया ख्याल मुख्य रूप से किन जिलों में किए जाते हैं, बताएगा? तो कन्हैया ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किए जाते हैं आपके सवाई माधोपुर, करौली और दौसा में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल किस जिले में प्रसिद्ध है? देखिएगा, कुचामन सिटी आपने नाम सुना होगा, तो प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, तो कुचामन सिटी किस जिले में है? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नागौर जिले में हो जाएगी कुचामन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कठपुतली लोकनाट किस जिले में किए जाते हैं, बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, उदयपुर में किए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी गुलाबो बाई किस नृत्य से संबंधित है, बताइएगा? तो ये जो है वो आपके कालवेली नृत्य से संबंधित है, कौन? गुलाबो बाई और फलकुबाई चरी नृत्य से, ये दोनों में कंफ्यूज कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ावा शेखावाटी ख्याल के प्रबंधक, बताना होगा सही आंसर? तो ये हो जाएंगे नानूराम चिड़ावा हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का लोक नृत्य जिसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, कौन सा है, बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमर लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालवेली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, बताएगा? गुलाबो बाई,
हल्कू भाई, रंबा भाई, रेशमा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबू भाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नौटंकी, चार कुला नृत्य, रसिया नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। तो ये है आपके पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं नौटंकी, चार कुला नृत्य, ये यहाँ पर, और रसिया। ऑप्शन नंबर सही है बी ऑप्शन, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर लोक नृत्य दे रखे है, यहां पर क्षेत्र दे रखा है, तो बताना होगा कि कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है। तो देखिएगा, डांग नृत्य किया जाता है राजसमंद में, बिल्कुल सही है। मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य पाली में, देखिएगा ढोल नृत्य पाली में नहीं किया जाता है बल्कि जालौर में किया जाता है, तो यहां पर यह गलत है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रबंधक कौन थे, बताएगा। भानुजी, तेज कवि, या फिर लच्छी राम, या फिर अलवक्स। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रबंधक किसे माना जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा नैनू राम, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रंबत कहां की प्रसिद्ध है, बताएगा। तो रंबत के बारे में भी क्वेश्चन अभी जो करेंटली जो एग्जाम लगी है उसमें लगभग दो एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो देखिएगा यहां पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है, बताएगा। अगर भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश करके आना। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले कौन कौन से है, बताएगा। तो उत्तर प्रदेश धौलपुर आता है और भरतपुर आता है, और इन्हीं जिलों में नौटंकी की जाती है। अब बताना होगा कि धौलपुर और भरतपुर का जोड़ा यही है, यानी कि जो एमपी से यूपी से लगने वाले जो जिले है बोन में नौटंकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गबरी लोकनाट किसकी कथाओं पर आधारित है, बताइएगा। आरपीएससी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गबरी से संबंधित है। आरपीएससी 100% क्वेश्चन डालता है यहां पर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में किसी में भी, तो यहां पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान भस्मा, सॉरी यहां पर भगवान शिव और भस्मासुर, यानी कि ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भस्मासुर की कथाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंबत लोकनाट का प्रचलन किस जिले में हुआ था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर में। रंबतों का प्रारंभ हुआ है बीकानेर, और बीकानेर और जैसलमेर में ये प्रचलित है। देखिएगा, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन पे, जो गबरी लोकनाट है किसकी कथाओं पर आधारित है। यहां पर देखिएगा भगवान शिव है और भस्मासुर है, लेकिन आपको जो यहां पर बोर्ड ने जो माना है और जो आपकी बुकों में भस्मासुर दे रखा है दोस्तों, यहां पर ये भस्मासुर है, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंसीधर शर्मा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, ख्याल दे रखे है, जिला दे रखा है, तो बताना होगा गलत जोड़ा पहचानना है आपको। तो देखिएगा, कठपुतली है वो जयपुर में नहीं किए जाते हैं बल्कि उदयपुर में किया जाता है, और ये आपको याद रख लेना है। डंपाली ख्याल अलवर में, कुचामनी ख्याल नागौर में, तुर्रा कल की ख्याल चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बिंदौरी नृत्य कहां किया जाता है, बताना होगा सही आंसर। कहां का प्रसिद्ध है, बिंदौरी, झालावाड़, उदयपुर, या फिर राजसमंद, या फिर चूरू। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ का, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रह चुका है, कबूतरी नृत्य कहां किया जाता है, बताएगा। कबूतरी नृत्य, तो कबूतरी नृत्य किया जाता है आपके चूरू जिले का फेमस नृत्य है कबूतरी नृत्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, यहां पर लगभग 70 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए है। अब कॉमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है दोस्तों। यहां पर अगर जिन्होंने ऐप ले लिया है, ऐप यहां पर, बल्कि आप जिन्होंने ऐप लिया है
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपको ऐप कितना पसंद आ रहा है, आपको यहाँ पर जो ऐप में मिल रहा है टेस्ट सीरीज आपको कैसी अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताएगा। और यहाँ पर जो आपकी बुक डाली हुई है दोस्तों यहाँ पर, वो उनसे पढ़ने में कितना आनंद आपको मिल रहा है जरूर बताएगा, क्योंकि वहां से आपके एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और आपका जो कोर्स है वो राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग और लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान कल्चर के ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 6 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं राजस्थान के कल्चर का। अब देखिएगा यहाँ पर अभी 7-8 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं राजस्थान के कल्चर के, और इसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी कि अब हम बात करें तो लगभग और लगभग यहाँ पर 40% कोर्स आपका रीट का SST का कवर हो चुका है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लिंक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर ऐप की डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर निकलना है आपको अभ्यर्थियों से आगे, अगर सीट पक्की करनी है तो आपकी कॉन्सेप्ट जितने भी ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मौका है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो दोस्तों यहाँ पर तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा मिलेगा क्योंकि आपको एक एक प्रश्न प्रैक्टिस के जरिए आपको याद हो गए, बाकायदा आपको पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों में आपकी कौन सी रैंक आ रही है, आपका रिजल्ट कौन सा आ रहा है, हम किस रैंक पर खड़े हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा राजस्थान के लोक संगीत वाला वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर।